हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, शेयर्स में पिछले काफ़ी दिनों से भयंकर तरीके से गिरावट चल रही है। किसी भी तरीके से ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये शेयर 80 रुपये के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो तोड़कर चला गया। लेकिन उसके बाद ऐसी और एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि एटलीस्ट ये 75-72 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन गिरकर ये अगेन 68 रुपीज पर चला गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए, जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने नहीं खरीदा और खरीदना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तो और, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा है, वहां से वो इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 68 रुपीज के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज तारीख है 30 जुलाई, और कल 31 जुलाई है, और कल अशोक लेलैंड के जून क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। तो कल एक बहुत बड़ा दिन है अशोक लेलैंड के लिए, जून क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे अच्छे आते हैं तो शेयर्स में तेजी जरूर देखने को मिलेगी, अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट हमें और ज्यादा देखने को भी मिल सकती है। यहां पर अगर हम बात करेंगे अशोक लेलैंड को, देखें पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हालांकि इसमें 8.5% तक की गिरावट आ चुकी है, 75 रुपीज से टूट कर नीचे आया है ये शेयर। एक महीने में 21% से ज्यादा गिर चुका है, 90 रुपए से गिरता हुआ नीचे। आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 90 रुपए के करीब का हाई बना था पिछले एक महीने में, और कंटिन्यूअस ये शेयर टूट कर नीचे आ रहा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत अपर सर्किट लगती भी है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वापस से नीचे ही ये शेयर गिर कर आ रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो 39% तक की गिरावट है। अब देखिए, 133 रुपये, 165 रुपये तक भी ये जा चुका था और कंटिन्यूअस गिर रहा है पिछले 1.5 साल से। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, खास करके अशोक लेलैंड में भी काफी ज्यादा गिरावट है। देखिए, 165 रुपये के करीब का यहाँ पर इसने हाई बना था 2018 के 5वें महीने में, ये 165 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस गिर रहा है। कंटिन्यूअस 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन फिर भी शेयर्स में उतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, उसके कई ज्यादा रीजन है कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, और बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें उनका भी यही हाल है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो मदरसन सुमी हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो आइशर मोटर्स भी क्यों ना हो, सब में भयंकर तरीके से गिरावट है। और तो और, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली जो जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो अपोलो टायर्स हो, जेके टायर्स हो, या फिर हम बात करें सबसे बड़े दिग्गज एमआरएफ की, उसमें भी भयंकर तरीके से गिरावट है। पिछले 1 साल से ज्यादा का के वक्त गुजर चुका है और शेयर्स में कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई है। यहां पर अगर हम बात करेंगे, देखिए मिड कैप स्टॉक है ये, तकरीबन तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएस में आप देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है। मार्च के नतीजे बहुत ही बेहतर थे, बहुत ही बेहतर थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब सारे के सारे यहाँ पर ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, 39% से ज्यादा का ग्रोथ नेट सेल्स में था, नेट प्रॉफिट में 71% से भी ज्यादा का ग्रोथ था, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इनका इंक्रीज हुआ था। अब सबकी नजर कल के नतीजे पर है, कल जून क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, इस पर सबकी नजर जरूर रहेगी। एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईएस अपनी होल्डिंग कम की है, 18.75% की होल्डिंग एफआईएस के पास बची है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पर उनके पास 6.33% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.73% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 19.30% की होल्डिंग है। अदर डीएस के पास 54.06% की होल्डिंग है। अब के प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 29 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 415 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है। प्रमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो हिंदुजा ऑटोमोबाइल लिमिटेड है, जिनके पास 34.73% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.25% की यहां पर देखने को मिली है। डिविडेंड इन्होंने इंक्रीज किया है, देखिए कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था मार्च के क्वार्टर में, तो इन्होंने डिविडेंड भी इंक्रीज किया था। डिविडेंड ये 310% का डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब पर शेयर आपको
3 रुपए 10 पैसे मिल रहे हैं, और डेफिनेटली अब तक आपको डिविडेंड भी मिल चुका होगा। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 70% बाइंग रेटिंग है, 23% सेलिंग रिकमेंडेशन है, 7% होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि कल इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होगा, बोर्ड मीटिंग है होनी है कल, और कल इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होगा। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो जैसे ही इनका क्वार्टरली रिजल्ट कल आफ्टरनून को अनाउंस होगा, वैसे ही मैं यूट्यूब पोस्ट के द्वारा आपको इन्फॉर्म भी कर लूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इनके अगर फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कर्जा इनके ऊपर बहुत ही कम है, 400 करोड़ से भी कम का कर्जा है इनके ऊपर, जबकि 8,730 करोड़ के आसपास का टोटल असेट्स है इनके पास। और देखिए सबसे अच्छी बात है कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सीज में भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, या कंपनी ने कोई घोटाला भी नहीं किया है, और ना ही और किसी चीजों के साथ ही इन्वॉल्व है। कंपनी में सिर्फ और सिर्फ गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट है, इसीलिए मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उसको बेच बेच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बिकवाली के लिए शेयर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इसीलिए शेयर्स की कीमत यहाँ पर डाउन हो रही है। कंपनी आप खुद देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर में 380 करोड़ का मुनाफा कमाया था, मार्च के क्वार्टर 2019 में 650 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने कमाया, और तो और डिविडेंड भी इन्होंने इंक्रीज किया। सेम चीज अगर हम सितंबर में देखें तो देखिए 450 करोड़ का भी यहाँ पर प्रॉफिट था। तो कंपनी की बैलेंस शीट काफी बढ़िया है, काफी तगड़ी है, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कर्जा मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ का कर्जा है जो कोई कर्जा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 650 करोड़ का सिर्फ उनका मार्च क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था, तो कोई कर्जा यहाँ पर उतना ज्यादा कर्जा यहाँ पर है नहीं। अब म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, मैं अगेन बता दूं म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहां पर इंक्रीज की है। आप देखिए कि करोड़ों में म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर्स खरीदे हैं यहां पर, चाहे वो टाटा इक्विटी हो, आईसीआईसीआई हो, फ्रैंकलिन इंडिया हो, या डीएसपी म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहां पर खरीदारी की है, शेयर्स यहां पर इन्होंने खरीदे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या करें इसमें, तो मैं अगेन कहूंगा और जो मैं हमेशा अशोक लेलैंड के शेयर में कहता आया हूं कि देखिए पैनिक में आकर बेच के निकलने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेशित रहे, आपको डिविडेंड भी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। और तो और देखिए कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, जो भी दिक्कत है वो सारे के सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। कंपनी बहुत अच्छी है, इनका जो फ्यूचर प्लान्स है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से दिख रहा है। इंडिया के बाहर भी इन्होंने अपनी असेंबली सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, जिनके लिए 1,500 करोड़ इन्होंने अलोकेट भी किए हुए हैं। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अशोक लेलैंड के शेयर में गिरावट आ चुकी है। यहां पर मैं अगर आपको 10 साल का चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो आप खुद देख सकते हैं कि 2010 में ये शेयर 40 रुपए के करीब ट्रेड हुआ करता था, 2010 में शेयर 40 रुपए के करीब ट्रेड हुआ करता था, उसके बाद ऐसी गिरावट आई, ऐसी गिरावट आई कि शेयर कंटिन्यूस टूटता चला गया, कंटिन्यूस शेयर टूटता चला गया, और 2013 में शेयर 40 रुपए से गिरकर 12 रुपए पर आ गया। आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज्यादा गिरा था ये शेयर, मतलब वैल्यू बहुत ही कम कर दी थी, 40 रुपए का शेयर 12 रुपए पे आया, और कंटिन्यूस गिरावट है 2010 से लेकर 2010 के दिसंबर महीने से लेकर हम बात कर रहे हैं 2013 के 8वें महीने में, उसमें 12 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड करता था। लेकिन उसके बाद आप देखिए उसके बाद 2014 में वही शेयर आप 40 रुपए के करीब ट्रेड का होता, अगले साल ही शेयर वापस से 40 रुपए पर पहुंचा। उसके बाद 2016 में ये शेयर 100 रुपए के करीब पहुंचा, उसके बाद फिर से गिरावट आई और 100 रुपए का शेयर आप देख सकते हैं कि 75 रुपए के करीब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से तेजी आती है और शेयर्स ऊपर चले जाती हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में हमें ये चीज समझनी है कि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट सही है, कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो सही है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आज गिरावट आई है तो कुछ महीनों बाद ये उसको रिकवर कर लेगा। तो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि अशोक लेन में
पैनिक में आकर बेचकर निकलने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी थोड़ी बहुत गिरावट इसमें जरूर आई है और इसने वापस से बाउंस बैक किया है। अगेन मैं कह रहा हूं, थोड़ी बहुत गिरावट भले आ रही है लेकिन ये शेयर बाउंस बैक जरूर कर लेगा। तो पैनिक में आकर बेचने की गलती मत कीजिए। और जो लोग नए निवेशक हैं उनको मैं ये कहूंगा कि कल नतीजे आ जाने दीजिए। नतीजे अगर थोड़े बहुत खराब आते हैं तो कुछ वक्त के लिए होल्ड कर लीजिएगा। खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज में इसके शेयर को खरीदने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर खरीदा है तो होल्ड करें, और नहीं खरीदा है तो कल जैसे ही नतीजे आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।